आई होप आपने किया होगा। ठीक है, अब जिसका मैं नाम ले रहा हूं वो स्टूडेंट अपना आंसर देगा। देविका अनिल कुमार, देविका अनिल कुमार, टेल मी योर आंसर। सर 13.5 × 10³। यूनिट है कुछ? यूनिट हाँ सर, बोलो। जूल्स वोल्ट। हमने क्या फाइंड आउट किया है एग्जैक्ट में, कौन सी क्वांटिटी फाइंड की है? सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जूल में थोड़ी होता है, पोटेंशियल वोल्ट्स में होता है। वोल्ट वोल्ट बोला, जूल पर कूलम, मतलब वोल्ट। वोल्ट बोलो। ठीक है हाँ ठीक है, ओके गुड। सो स्टूडेंट, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन दिया था, मैं सबका तो अभी चेक नहीं करूंगा, ठीक है, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर है 13.5 × 10³ वोल्ट्स। 13.5 × 10³। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कुछ डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? आई होप सबने किया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट आज आगे बढ़ते हैं इससे। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था एंड उसके बाद वी स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। ये टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल है, दैट ये टॉपिक था। इसमें मैंने खाली आपको सिर्फ डायपोल एक बार रिवाइज कराया था। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस विच आर इक्वल बट ऑपोजिट। एक है माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय लेट्स से द डिस्टेंस ऑफ 2L। ठीक है, और इसमें 2L × Q करने पे आपने ही मुझे बताया था दैट 2L × Q विल बी पी। पी इज नोन एज डायपोल मोमेंट एंड इट्स अ वेक्टर। बेसिकली डायरेक्शन ऑफ पी इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दिख रहा है। ये सब हमने लास्ट टाइम किया था, राइट? आज इससे आगे जाएंगे, विल गो बियॉन्ड दिस। सो आज मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूं मेनली। सी दिस, यहां पे डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। लुक हियर, इमेजिन सपोज ये प्लस क्यू है एंड दिस इज माइनस क्यू। डायग्राम पहले आप अच्छे से देखो, नो नीड टू ड्रॉ, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग। तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू, दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल, दिस इज एल एल। अब सुनो, इफ यू पास वन लाइन थ्रू दिस डायपोल, एक अगर मैं सीधी लाइन बनाऊ इस डायपोल के थ्रू, ये देखो, लुक एट दिस लाइन, ये मैं लाइन बनाया विच इज स्ट्रेट पासिंग थ्रू द डायपोल। इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ द डायपोल, इट्स एन एक्सिस ऑफ द डायपोल। ठीक है, अपने मैग्नेटिज्म में भी सुना होगा एक्सिस एंड इक्वेटर। तो जैसे मैग्नेटिज्म में होता है एक्सिस एंड इक्वेटर, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में भी है, दिस इज लाइन इज कॉल्ड एक्सिस। ठीक है, और एक इक्वेटर भी होता है विच आई एम नॉट ड्रॉइंग राइट नाउ। ये एक्सिस है और एक इक्वेटर भी होता है, सो ये एक्सिस है। अब देखो, सपोज यहां पे एक पी पॉइंट है, इट्स अ पी पॉइंट हियर, यहां पर एक पी पॉइंट है, कहीं पे भी आप ले सकते हो, लेट्स से ये पी पॉइंट है। ये जो पी पॉइंट है ना, उसका सेंटर ऑफ द डायपोल से डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ दिस पी पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल, इट इज आर। ये ध्यान से देखो, आर इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। ठीक है, पी पॉइंट पर हमें क्या करना है पता है? वी वॉन्ट टू फाइंड पोटेंशियल एट पी पॉइंट। पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, वो हम लोग कर लेंगे, डोंट वरी। इतनी सारी डेरिवेशन आज तक हमने की है, हम लोग ये भी कर लेंगे, लेकिन फिजिकली पोटेंशियल, मैंने बोला पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, इसका फिजिकली मतलब क्या है? देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पी पॉइंट, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ पी पॉइंट।
ठीक है, याद आया? The work done to bring one coulomb of charge from infinity to P point, उसको बोलेंगे potential of P point. लेकिन work done क्यों करना पड़ेगा one coulomb को लाने के लिए? क्योंकि जब आप one coulomb को लेके आओगे from infinity to P point, तो ये जो already dipole present है, यहाँ पे dipole already present है, ये dipole उस one coulomb को लाने के टाइम पे affect force exert करेगा. तो because of this dipole हमें work करना पड़ेगा. That is a potential due to dipole. तो dipole की वजह से यहाँ पे जो potential है वो चाहिए हमको. Clear? P point को join करो center से. ठीक है? And this distance is r. Clear? ठीक. अब देखो, ध्यान से इस diagram को देखो. यहाँ पर मैं अभी एक angle draw कर रहा हूँ. I'm drawing one angle. Look at this. थीटा, लुक एट द थीटा एंगल. थीटा इज एंगल मेड बाय दिस आर डिस्टेंस विद दिस एक्सिस. आर और एक्सिस के बीच में ये थीटा एंगल है. क्लियर? ठीक. अब इसमें भी कुछ और चीजें ऐड करनी है. सम मोर थिंग्स वी हैव टू ऐड. वो मैं बना के दिखाता हूँ. सबसे पहले पी पॉइंट को ये प्लस क्यू चार्ज से भी आप ज्वाइन करो. ठीक है, P पॉइंट को आपने प्लस Q चार्ज के साथ ज्वाइन किया. एंड ज्वाइन P पॉइंट विथ माइनस Q चार्ज ऑल्सो. P को माइनस Q के साथ भी ज्वाइन किया. ठीक है, एक बार देख लो. अब देखो P का जो ये प्लस Q से डिस्टेंस है, ये देखो, ये डिस्टेंस देखो. Obviously, ये डिस्टेंस जो है वो आर से कम है. इट इज लेस देन आर, है ना? आर से ये कम है. सपोज ये डिस्टेंस है आर वन. इट इज आर वन. और ये डिस्टेंस देखो, पी का जो माइनस क्यू से डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस. ऑब्वियसली ये डिस्टेंस ध्यान से देखो तो ये आर से ज्यादा है. इट इज मोर देन दिस आर. इसको चलो नाम देता हूं मैं R2. R1, R और R2, ये तीनों डिस्टेंस हैं P पॉइंट के फ्रॉम माइनस Q प्लस Q एंड फ्रॉम सेंटर. ठीक है सुशांत, ये काफी लंबा डायग्राम होने वाला है. मेनी थिंग्स विल कम स्टिल. आई सजेस्ट पहले आप ये डायग्राम यहां तक ड्रॉ कर लो. ठीक है, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाओ. ठीक है, बिग डायग्राम, छोटा छोटा मत कर देना, बराबर नहीं आएगा. So I'm giving you 1 minute time. Finish this diagram. Finish it. Okay, completed. ठीक है, सो आई होप आपने कंप्लीट कर लिया है. इसमें मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं अभी. सी, अगर आप इन तीन साइड्स को देखोगे, तीन साइड्स यहाँ पे हैं, आर वन, आर टू और आर. तीन साइड्स दिख रहे हैं ना? ठीक है, इनमें सबसे जो छोटा साइड है, या दो जो साइड्स छोटे हैं, टू स्मॉलर साइड्स, वो है R1 एंड R. R1 और R सबसे छोटे हैं, R2 सबसे बड़ा है. ठीक है, तभी देखो यहाँ पे मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मैं इसमें ऐड करूंगा. कंस्ट्रक्शन क्या करना है ध्यान से सुनो. ये जो दो छोटे साइड्स हैं, जो सबसे दो छोटे साइड्स हैं, जो छोटे साइड्स को बड़ा करके इसको एलोंगेट करेंगे. ठीक है,
छोटे साइड्स को हम लोग बड़ा करेंगे। देखो कैसे, ये जो आर वन है, यू कैन सी आर वन, आर वन को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूं। ये देखो, सी मैंने आर वन को आगे एक्सटेंड किया। अब ये जो दूसरा ये है, दूसरा साइड जो है वो आर है, आर को भी मैं आगे एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, तो ये आर को भी हमने आगे एक्सटेंड किया, आर वन को भी एक्सटेंड किया। ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो, सी केयरफुली। सी ये जो आपकी पॉइंट है ना, इट्स अ सेंटर, एक्चुअली सेंटर से ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन दिस पोर्शन। देखो ये अप्रोक्सीमेटली है, इट्स अप्रोक्स, दिस इज अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑन दिस एक्सटेंडेड पार्ट। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ये देखो ऐसे परपेंडिकुलर गिरा, सपोज ये जो परपेंडिकुलर है यहां पे गिरा, ए एम पे, इट्स एम पॉइंट पे गिरा। ठीक है, सेंटर को मैं नेम देता हूं ओ, ओ इज अ सेंटर। ठीक है, और जो डायपोल है, डायपोल को मैं नेम देता हूं ए बी, ए बी इज अ डायपोल। ये पॉइंट ए है और इसको बी लिखता हूं। ये देखो ए है एंड दिस इज बी। ये जो करेगा, मैंने अलग अलग नेम्स दे दिए, ए बी ओ एम, आप लोग भी दे दो ये सब नेम्स। एक्सटेंड दिस आर वन एंड ऑन दिस एक्सटेंडेड पार्ट ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस। ठीक है, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो आपने बी पॉइंट ड्रॉ किए, ये ड्रॉन बी पॉइंट ऑल्सो, बी पॉइंट से भी यहां पे परपेंडिकुलर गिरा हुआ ऐसे। ये देखो ऐसे, ये जो हमने एक्सटेंडेड लाइंस बनाई है, द लाइंस विच हैव एक्सटेंडेड, उन दोनों पे ऐसे परपेंडिकुलर गिराना है यहाँ पे। सपोज इट इज एन बी एन, ठीक है, क्लियर। अब आपको थीटा एंगल दिख रहा है डायग्राम में, यू कैन सी दिस थीटा एंगल, सेम थीटा एंगल देखो यहां पे भी फॉर्म होगा, हियर आल्सो थीटा विल बी फॉर्म्ड। ये ऑलमोस्ट वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सेम थीटा विल बी फॉर्म्ड हियर आल्सो। क्लियर, सेम थीटा यहां पे भी आएगा। Got it? स्टूडेंट एक छोटा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, आई होप आप ये पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो, डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना चाहिए। आई थिंक एक छोटा मिस्टेक हो गया है, वो मिस्टेक ये है कि आपने जो ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यू हैड ड्रॉन ओ एम राइट, ये ओ एम बनाया ना आपने, ये जो मैंने बनाया इससे भी डेरिवेशन हो सकता है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक ने थोड़ा अलग बनाया ये। ओ एम ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, सपोज अगर आप चेंज कर सकते हो तो अभी कर लो, ओ एम को ऐसे ड्रॉ ही नहीं करना है। वो क्या करना है, ये जो ए पॉइंट है, ए से परपेंडिकुलर गिराओ यहां पर ऐसे, लुक एट इट, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन दिस लाइन। ये जो परपेंडिकुलर है उसको मैं नेम देता हूं ए एम, ये एम में परपेंडिकुलर ऐसे गिराना है, लाइक दिस, फ्रॉम ए पॉइंट यू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन दिस। ये नहीं ड्रॉ करना है, जो मैं अभी रब कर रहा हूं ये रिमूव कर दो, ये सब ये पूरा रिमूव कर दो स्टूडेंट।
अगर पेन से बना दिया है बाय चांस, अगर पेन से ही बनाया तो पूरा कैंसिल करके भले अब नीचे बना लो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम। परपेंडिकुलर ए से ड्रॉ करना है, ओ से नहीं, ए से एम पे गिराओ। और यहां पे क्या करना है, बी से एन पे गिराओ, फ्रॉम बी टू एन। ठीक है, ये बना लो अच्छे से, मैं देख लो। क्लियर क्लियर। सो आई होप इट इज कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको, हाँ क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे ये जो दो न्यू सेगमेंट्स बनी है, सी द सेगमेंट ओ एम एंड ओ एन। आपको देखो एक सेगमेंट बनी है ओ एम और एक सेगमेंट है ओ एन, देख लो अच्छे से। ओ एम और ओ एन जो दो सेगमेंट्स है ना, इन दोनों को हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग कॉस थीटा इन द ट्रायंगल्स। ये जो ट्रायंगल है ना, ये देखो कोई भी आप एक ट्रायंगल ले लो, सी द ट्रायंगल ए एम ओ या बी एन ओ, कोई भी ऐसे ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल्स में कॉस थीटा अप्लाई करने पे, बाय अप्लाइंग कॉस थीटा ओ एम को फाइंड किया जा सकता है। इफ यू फाइंड ओ एम एंड ओ एन, दोनों की वैल्यू आएगी एल कॉस थीटा। ये करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से खुद कर सकते हो। ओ एम और ओ एन की अगर हम लोग वैल्यू निकाले बाय अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री इन द ट्रायंगल, ओ एम ओ एन बोथ विल कम एल कॉस थीटा, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल टू ईच अदर, बोथ ऑफ देम आर एल कॉस थीटा, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सो ओ एम और ओ एन मिल गया हमें। अभी क्यों फाइंड किया वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा, यू विल कम टू नो फर्दर। ठीक है, अब आप याद करो आपको करना क्या है, आपको पोटेंशियल फाइंड करना है पी पॉइंट पे, तो डायरेक्टली मैं उस पर आ जाऊंगा। पोटेंशियल एट पॉइंट पी वी वॉन्ट टू फाइंड, राइट। ठीक है, सो होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल विल बी देयर एट पॉइंट पी, बट इट विल बी पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, एंड ऑल्सो देयर विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, एक पोटेंशियल होगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से और एक पोटेंशियल होगा माइनस क्यू चार्ज की वजह से। दोनों पोटेंशियल्स को हम लोग कंबाइन करेंगे, दैट विल बी द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। जिनको ये पॉइंट थोड़ा न्यू लग रहा है, सर ये तो नहीं पता ऐसे कैसे लिखा आपने, आपने जो होमवर्क क्वेश्चन किया है आज, होमवर्क क्वेश्चन में भी आपने यही किया था, यू फाउंड द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ प्लस फाइव माइक्रो कूलम एंड अनदर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस टू माइक्रो कूलम। जो आपने न्यूमेरिकल किया उसमें भी यही है, पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस फाइंड करो, प्लस करो, दैट इज अ पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो यही रहता है ऑलवेज। ठीक है, अब ये है पोटेंशियल ड्यू टू विच चार्ज, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ध्यान से देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, ध्यान से देखो, इस चार्ज से आर वन डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट है ना, सो पोटेंशियल विल बी 1/4πε0 प्लस क्यू बाय आर वन। दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, एंड नाउ आई एम राइटिंग पोटेंशियल बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल होगा 1/4πε0 माइनस क्यू। अब देखो माइनस क्यू चार्ज से ये कितने डिस्टेंस पर है, पी पॉइंट आर टू डिस्टेंस पर है, माइनस क्यू बाय आर टू। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब अच्छे से आप एडिशन करो, जो चीजें कॉमन है उसको कॉमन ले सकते हो। तो इफ यू ऑब्जर्व क्यू बाय 4πε0 इट इज कॉमन, क्यू बाय 4πε0 कॉमन है, इन द ब्रैकेट इट विल बी
वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू. दिस इज पोटेंशियल एट पी पॉइंट. देख लो. नाउ ऑब्वियसली हमें अभी आर वन आर टू को पहले फाइंड करना होगा. वी हैव टू सब्स्टिट्यूट समथिंग फॉर आर वन आर टू एंड देन वी कैन प्रोसीड. ठीक है, तो यहाँ पे आर वन आर टू की वैल्यू डालनी है. ठीक है, यहाँ पहले आप इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लो. टेक एलसीएम. ऑन टेकिंग एलसीएम इट विल बिकम आर टू माइनस आर वन डिवाइड बाय आर वन आर टू. मैंने एलसीएम ले लिया. क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इतने तक सॉल्व कर लिया. नाउ वी नीड टू फाइंड आर वन आर टू वैल्यूज. उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. आर वन आर टू की वैल्यू फाइंड करनी है. यहां तक फिनिश करो पहले. फिनिश टिल दिस. समझ में आया ना यहां तक? मैंने ऐसे सुना है आपके आज कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, तभी लेक्चर भी जल्दी रखा हुआ है. कौन सा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है बता सकते हो? मॉडल चालू. ओह, मॉडल चालू हो रहा है. ठीक है, सो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से सारे लेक्चर्स अटेंड करेंगे, है ना? वैसे जब आप 11th में जाते थे कॉलेजेस में कितना अच्छे से अटेंड करते थे सब लेक्चर्स. मुझे उम्मीद है यहाँ पे भी करोगे लेक्चर अटेंड. पता है अब ये लेक्चर ही पता नहीं कैसे अटेंड कर रहे हो, तो वो लेक्चर क्या अटेंड करोगे. ठीक है, बट इट इज फॉर्मेलिटी, यू हैव टू अटेंड. ओके, ऑल द बेस्ट. तो चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. आर वन आर टू यहाँ पे लिखा है मैंने, देख लो. अभी आर वन आर टू को फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब देखो आर वन आर टू को कैसे फाइंड करना है. लुक एट इट केयरफुली. सी दिस, आर वन डिस्टेंस यहाँ पे देखो. मैं अभी आर वन को फाइंड करके बता दूं. ये आर वन है, देखो, है ना. आर वन इज इक्वल टू पी एम. ध्यान से देखो, आर वन विल बी इक्वल टू पी एम. डायग्राम आपके पास है ना? डायग्राम आप चेक करो. आर वन इज इक्वल टू पी एम. देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं आर वन, लुक एट द स्क्रीन, इज इक्वल टू पी एम. ये डायग्राम में चेक करो. अच्छा, पी एम जो है, पी एम, पी एम को मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो, ओपी माइनस ओ एम. ये आप सब डायग्राम में चेक करो स्टूडेंट. स्क्रीन पे देखो और फिर डायग्राम को देखो. पीएम को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ओपी, फुल ओपी माइनस ओ एम. ठीक है, अब ओपी कितना है बताओ, आप लोग देख के बताओ. व्हाट इज ओपी इक्वल्स टू, बोलो. अभी आपको बताना है स्टूडेंट, ओपी कितना है, देखो. आर आर आर. हाँ, अब माइनस ये ओ एम है. ओ एम भी कितना है आपने लिखा है इक्वेशन वन में, एल कॉस थीटा. एल कॉस, एल कॉस थीटा. तो देखो आर वन की वैल्यू आ गई. देखो आर वन की वैल्यू मुझे आ गई, आर माइनस एल कॉस थीटा. लुक एट इट. सेम बेसिस पे अभी देखो मैं आर टू फाइंड करके दिखा दूं. दिस वी फिनिश्ड आर वन, इट इज ऑन द स्क्रीन. अब देखो आर टू भी इसी बेसिस पे फाइंड करेंगे. ये देखो आर टू, लुक एट द स्क्रीन नाउ. ये आर टू है. ठीक है, आर टू इज सेम एज पी एन. अप्रोक्सीमेटली ऐसा ले सकते हैं, आर टू और पी एन इक्वल है. देखो आर टू विल बी इक्वल टू पी एन. पी एन को देखो, यहां पे मैं लिख रहा हूं आर टू इज इक्वल टू पी एन. ओके, आर टू पी एन के इक्वल है. अब पी एन को ध्यान से देखो, पी एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओपी प्लस ओ एन. ओपी प्लस ओ एन. पहले आप स्क्रीन पे देखो और फिर वही चीज डायग्राम में देखो, आपको समझ में आ रही है कि नहीं. पी एन को हम लोग लिख सकते हैं ओपी प्लस ओ एन. अब अगेन ये ओपी है, ओपी इज इक्वल टू स्मॉल आर. और जो ओ एन है, ओ एन, वो आपने फाइंड किया है एल कॉस थीटा. सो ये देखो आर टू आ गया. आर टू इज आर प्लस एल कॉस थीटा. ठीक है,
स्टूडेंट, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बोल रहा हूँ करने को. ये देखो आर ओन आर टू आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है. ये आर ओन आर टू आप जाके वो पहले वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, पोटेंशियल वाली इक्वेशन. हेलो सर, सब्स्टिट्यूट दिस आर ओन आर टू इन द पोटेंशियल वाली जो इक्वेशन है उसमें पुट करो, पोटेंशियल में. हाँ बोलो, क्या डाउट है सर? वो पहला वाला फिर से समझा सकते हो क्या, आर वन वाला? ठीक है, आपके पास डायग्राम है, अच्छे से बनाया था? हाँ सर, हाँ सर. डायग्राम में देख, आर वन को मैंने देखो स्क्रीन पे देखो, आर वन को इक्वल टू पीएम लिखा है डायग्राम में. चेक करो, आपको लग रहा है आर वन और पीएम ऑलमोस्ट इक्वल है? ये देखो मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे सर. हाँ ऑलमोस्ट तो लग रहा है. हाँ ये अप्रोक्सीमेटली लेना है, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा कभी. आर वन और पीएम देखो अप्रोक्सीमेटली इक्वल लग रहे हैं. हाँ सर, स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ये देखो ये दोनों. यस सर. हाँ, अब पीएम जो है, पीएम को हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है? पीएम को हम लोग लिख सकते हैं, ये देखो ये ओपी, ये ओपी है. ओपी में से ये ओएम हटा दो. हाँ सर, समझ गया समझ गया. ओएम इट विल बी पीएम, ठीक है? यस सर. हाँ, ये दोनों इक्वेशन जो आर एन आर टू वो पोटेंशियल में डाल दो इन टर्म्स ऑफ ये जो आपकी इक्वेशन है ना, ये वाली. इन दिस इक्वेशन प्लीज सब्स्टिट्यूट आर वन आर टू का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो स्टूडेंट्स, ठीक है? सो देखो आपको क्या मिलेगा. यू विल गेट अ पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल्स टू क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट. आई होप आपने आर टू आर वन डाल दिया वहां पे इक्वेशन में. सो आर टू का वैल्यू डालो और आर वन का वैल्यू डालो. इट विल बी आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर वन इंटू आर टू था, आर वन इंटू आर टू. तो आर वन और आर टू की वैल्यू डालो, इट इज आर प्लस एल कॉस थीटा इंटू आर माइनस एल कॉस थीटा. सी दिस, ये आने वाला है ना. न्यूमेटर में या माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन करो तो आर आर विल गेट कैंसिल. न्यूमेटर में आपको मिलेगा एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा विच बिकम्स 2l cos theta in the numerator. Denominator में ये देखो, it is like ये दोनों brackets की multiplication है. See, मतलब it is like a plus b into a minus b का formula लगेगा. It will be like a plus b into a minus b. तो denominator में आपका ऐसा आएगा, r square minus l square cos square theta. This will come in the denominator. R square माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर है क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो. सी इट, दिस थिंग यू आर गोइंग टू गेट, ये चीज आपको आने वाली है, ठीक है? एवरीबडी रीच अप टू दिस. हाँ, अब ध्यान से देखो, बस इसमें लास्ट टू स्टेप्स आ देयर, ठीक है? अब देखो, इफ यू लुक एट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में यहाँ पे आर है, सी इन द डिनोमिनेटर, इट्स आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ये टर्म देखो, इसमें अंदर दो टर्म्स है, एक है आर स्क्वायर है और एक दूसरा एल कॉस थीटा का स्क्वायर है. इन दोनों में से आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, आप चेक करो, आर इज ग्रेटर देन एल कॉस थीटा, आर बड़ा है एल कॉस थीटा से. यू कैन सी दैट इन डायग्राम. एल कॉस थीटा क्या है देख लो, एल कॉस थीटा ओएम और ओएन की वैल्यू है, ओएम और ओएन दोनों एल कॉस थीटा है. सो एल कॉस थीटा इज स्मॉलर देन आर. अगर मैं यहां पे अब एक छोटा सा अज्यूम करूं, अगर मैं एक अजम्पशन लूं कि सपोज जो आपका डायपोल है ना, द इलेक्ट्रिक डायपोल दैट आर टेकन, इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत छोटा है. इफ आई अज्यूम दैट इलेक्ट्रिक डायपोल दैट यू आर टेकन इज शॉर्ट, डायपोल छोटा है, ये देखो ये जो डायपोल है ना वो छोटा है कंपेयर टू दिस आर डिस्टेंस. आर डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये डायपोल बहुत छोटा है, ठीक है? मतलब डायपोल की लेंथ बहुत छोटी है कंपेयर टू द आर डिस्टेंस. तो ये आर विल बिकम वेरी मच ग्रेटर देन एल कॉस थीटा, आर एल कॉस थीटा से काफी बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है? तो अगर हम स्क्वायरिंग करें हम लोग, तो आर स्क्वायर विल बी वेरी मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ये पॉइंट लिखी जा सकती है, ठीक है? आर ऑलरेडी बड़ा है एल कॉस थीटा से,
तो आर स्क्वायर भी बड़ा होगा एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से। लेकिन डायपोल को अगर शॉर्ट मान ले कि डायपोल बहुत छोटा है, डायपोल छोटा है तो डायपोल की लेंथ छोटी होगी, लेंथ कम होगी तो एल कॉस थीटा बहुत कम हो जाएगा कंपेयर टू आर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन नेग्लेक्ट दिस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये देखो यहां पर है ना एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है आर स्क्वायर में से, इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो हम लोग इस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वी कैन नेग्लेक्ट इट। ठीक है, वी कैन सिंपली नेग्लेक्ट इट क्योंकि ये बहुत छोटा है कंपेयर टू आर स्क्वायर। ये देखो, ठीक है, दूसरा एक चीज ध्यान से देखो यहां पे, लुक एट इट, न्यूमेटर में आपको टू दिख रहा है, ये देखो एल भी दिख रहा है और एक क्यू भी दिख रहा है। ये देखो न्यूमेरेटर में टू एल क्यू, याद करके बताओ टू एल और क्यू, ये देखो न्यूमेरेटर में टू एल क्यू मिलके क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, यस करेक्ट है, कहाँ डिफिकल्ट है, इजी तो चल रहा है सब। टू एल क्यू मिलके डाइपोल मोमेंट बनता है, तो उसको पी लिखते हैं ना, इन प्लेस ऑफ टू एल क्यू वी विल राइट पी, यस पी आएगा, ठीक है पी। ठीक, तो टू एल क्यू की जगह मैंने पी लिख दिया, इनटू न्यूमेरेटर में कॉस थीटा भी है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जस्ट आर स्क्वायर। मैंने ये एल कॉस थीटा को नेग्लेक्ट कर दिया और साथ में वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो भी आएगा। सो स्टूडेंट देखो ये फॉर्मूला बन रही है, दिस फॉर्मूला वी आर गेटिंग, सो दिस इज अ फाइनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ द डाइपोल। ये फॉर्मूला रीच करो यहां तक, पूरा कंप्लीट करो यहां तक। अब इसमें कुछ डाउट है, कुछ शंका है आपको, कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, डाउट है तो पूछो, डाउट शुड बी आउट। ठीक है, कुछ है तो बोल सकते हो। Completed? So, ये आपका एक डेरिवेशन हो गया, थोड़ा लंबा है डेरिवेशन, मैथमेटिकल स्टेप्स बहुत सारे हैं बट इतना हार्ड भी नहीं है। मैंने आपको आर वन आर टू फाइंड करना है, तो आर वन आर टू फाइंड करने के लिए जो डायग्राम में कंस्ट्रक्शन किया है उसको ध्यान से समझ लेना, दिस कंस्ट्रक्शन यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, पहले मैंने थोड़ा गलत कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया फिर मैंने इसको ठीक किया, ये याद कैसे रहेगा कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। अब इसमें एक पॉइंट याद करो कि आपको कंस्ट्रक्शन ऐसे करना है कि दो ट्रायंगल्स बनने चाहिए, टू ट्रायंगल्स, एंड इन एवरी ट्रायंगल थीटा एंगल मस्ट बी देयर। मैंने जब पहले रॉन्ग कंस्ट्रक्शन किया ना उसमें मेरा ध्यान गया कि उसमें थीटा एंगल आ ही नहीं रही थी, ट्रायंगल के अंदर थीटा एंगल आनी चाहिए, दैट इज अ रूल। तो कंस्ट्रक्शन ऐसे करो कि दो ट्रायंगल बनने चाहिए, दोनों ट्रायंगल के अंदर एक एक बार थीटा एंगल आनी चाहिए। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब आपका फॉर्मूला तो बन गया, ठीक है, द फॉर्मूला दैट यू गॉट इट्स अ फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट पी पॉइंट। अब ध्यान से देखो स्क्रीन पे, लुक एट इट, एक बात आ, यहाँ पे पी पॉइंट का लोकेशन है, हियर इज पी पॉइंट। अगर पी पॉइंट को मैं थोड़ा नीचे ले लूं, लुक एट दिस, इफ आई टेक पी पॉइंट हियर, इधर ले लूं थोड़ा नीचे, सो ऑब्वियसली थीटा एंगल विल डिक्रीज, थीटा डिक्रीज होगा। पी पॉइंट को और नीचे लेके जाओ, थीटा और डिक्रीज होगा। ऐसे करते करते इफ यू टेक पी पॉइंट राइट ऑन द एक्सिस, पी पॉइंट यहां पे ले लो एक्सिस पे, टेक पी पॉइंट ऑन द एक्सिस, ठीक है, सो थीटा कितना होगा आप समझ सकते हो। देन इफ यू टेक पी पॉइंट ऑन द एक्सिस हाउ मच विल बी थीटा, जीरो, यस, अमन कुमार ने आंसर दिया सबसे पहले। तो इफ यू टेक पी पॉइंट राइट ऑन द एक्सिस थीटा जीरो हो जाएगा ना, ठीक है,
सो अगर क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, तो एक्सिस के लिए क्या करेंगे, थीटा जीरो डालेंगे, राइट। सो आपकी जो डेरिवेशन हो गई ना यहां तक, इसके बाद मैं आगे बता रहा हूं। फॉर एक्सिस मतलब अगर P पॉइंट एक्सिस पर है तो फॉर एक्सिस आपको थीटा जीरो डिग्री डालनी है। इन द फॉर्मूला यू टू पुट थीटा एज जीरो, ठीक है। तो आपकी फॉर्मूला में देखो P cos थीटा लिखा हुआ है, उसमें थीटा जीरो डालेंगे तो cos जीरो बिकम वन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर V ऑन द एक्सिस, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो P बाय आर स्क्वायर। This is a formula for finding potential on the axis. ठीक है, इट्स अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग पोटेंशियल ऑन एक्सिस। इसके साथ साथ देखो स्टूडेंट, आपने मैग्नेटिज्म में सुना होगा एक और चीज होती है इक्वेटर। डायपोल को इक्वेटर भी होता है, एवरी इलेक्ट्रिक डायपोल हैज इक्वेटर ऑल्सो। नाउ आई विल, जैसे एक्सिस फिनिश हो गया, नाउ आई कैन फाइंड पोटेंशियल ऑन इक्वेटर। किसी को ये याद है क्या कि एक्सिस और इक्वेटर आपस में पैरेलल होते हैं कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं? एनीबडी नोस? परपेंडिकुलर होते हैं। चलो इतना मालूम है, परपेंडिकुलर, यस करेक्ट। तो इतना मालूम है ना आप लोग को। तो देखो ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, इट इज एक्सिस। तो इक्वेटर मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, इक्वेटर विल बी वर्टिकल ना। इक्वेटर ये होता है, देखो स्टूडेंट, इक्वेटर पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द डायपोल एंड इट इज दिस वे। नो नीड टू ड्रॉ, आप ड्रॉ मत करना अपने डायग्राम में, जस्ट लुक एट इट। ये लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। इट इज परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस, ऑल्सो इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द डायपोल, ठीक है। अब देखो ये जो पी पॉइंट है, अगर मैं थोड़ा ऊपर ले लू इधर, इफ आई टेक पी पॉइंट राइट हेयर, देखो पी पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, थीटा एंगल विल इंक्रीज। पी पॉइंट और इधर ले लिया और राइट साइड ले लिया, theta angle will further increase. If you take P point right on the equator, P point आप equator पे ले लो, ठीक है। तो if you take P point on the equator, theta will be 90 degree. समझा ना ये? So equator के लिए क्या होगा? Equator के लिए theta will be 90 degree. For equator, ये जो theta angle है diagram में वो 90 degree हो जाएगी। अब प्लीज आप ये एंगल सब्स्टिट्यूट करो और बताओ कितना है पोटेंशियल ऑन द इक्वेटर। सब्स्टिट्यूट दिस थीटा वैल्यू एंड देखो इक्वेटर पोटेंशियल कितना है। जीरो। इट्स जीरो। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में कभी कभी पूछी जाती है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, पोटेंशियल ऑन द इक्वेटर ऑफ द डायपोल इज जीरो। जीरो क्यों है मैं ट्राई करता हूँ समझाने का। Why it is zero, I will tell you. थोड़ा फिजिकली बताऊंगा मैं जीरो क्यों आ रहा है, क्यों जीरो है फिजिकली। बट पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्वेटर, पोटेंशियल इज जीरो। आप इक्वेटर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। लिखा स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा मैं ट्राई कर रहा हूं फिजिकली समझाने का। लुक एट इट, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है ठीक है ठीक है। सी द फिजिकल मीनिंग दैट व्हाई इट इज कमिंग जीरो। ये रेड लाइन देखो, रेड लाइन, ये रेड लाइन ड्रॉ किया वो इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर पे अगर आप कोई भी पॉइंट ले लोगे, इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटर, इट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ चार्जेस। See, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा ना। इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटर, इट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ चार्जेस, ठीक है। तो ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट होगी दोनों चार्जेस से। अब सपोज मेरे पास वन कूलम का चार्ज है, आई एम हैविंग वन कूलम ऑफ चार्ज। द वर्क डन टू ब्रिंग वन कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, इट्स नोन एज पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, राइट। वन कूलम को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वही पोटेंशियल होता है ना। जब आप वन कूलम को यहां पे लेके आएंगे ना, एज यू ब्रिंग इट, ठीक है,
तो वन कूलम का जितना डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज से है उतना ही डिस्टेंस माइनस क्यू चार्ज से भी होगा. वन प्लस वन कूलम का जो डिस्टेंस है प्लस क्यू चार्ज से उतना ही डिस्टेंस माइनस क्यू चार्ज से भी होगा. तो उसकी वजह से क्या होगा, दोनों चार्जेस से ये इक्विडिस्टेंट पे है. अब होता क्या है, प्लस वन कूलम जो है, प्लस वन कूलम विल बी रिपेल्ड बाय प्लस क्यू. ये जो प्लस क्यू है वो प्लस वन को रिपेल करेगा ना, लेकिन प्लस वन विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस माइनस क्यू. माइनस क्यू तो उसको अट्रैक्ट करेगा और दोनों से ये इक्विडिस्टेंट पे है. ठीक है, अब इमेजिन करो आप कहीं पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हो. व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक फोर्स आपको अपोज कर रहा है और एक फोर्स आपको उतना ही सपोर्ट कर रहा है. जितना आपको अपोजिशन मिल रहा है उतना ही सपोर्ट भी मिल रहा है. तो पता है वर्क डन ऑलमोस्ट जीरो रहेगा, बिना किसी वर्क के आप जा सकते हो. जितना अपोजिशन है उतना ही अगर सपोर्ट मिल रहा है तो नो नीड टू डू एनी वर्क टू गो. इसलिए पोटेंशियल जीरो आता है. एक्चुअली थोड़ा आइडिया रखो. देखो अगर एक चीज बता देता हूं, इफ यू आर कंटिन्यूअसली गेटिंग रिपल्शन, कोई आपको कंटिन्यूअसली अपोज कर रहा है, तो अगेंस्ट द रिपल्शन इफ यू वांट टू गो यू नीड टू डू वर्क. अगर कोई आपको अपोज कर रहा है तो उसके अगेंस्ट जाने के लिए वर्क करना पड़ता है. नदी सपोज आपको नीचे लेके जा रही है लेकिन आपको ऊपर की तरफ जाना है नदी में, तो वर्क करना पड़ता है. ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑपोजिशन नहीं है, जितना ऑपोजिशन है उतना ही सपोर्ट भी मिल रहा है, जितना रिपल्शन है उतना ही अट्रैक्शन भी मिल रहा है, सो नो नीड टू डू वर्क, वर्क नहीं करना पड़ता है. दैट्स व्हाई ऑलमोस्ट नो वर्क हैज टू बी डन टू ब्रिंग प्लस वन कूलम अप टू इक्वेटर. दैट्स व्हाई पोटेंशियल ऑफ द इक्वेटर इज जीरो. थोड़ा ध्यान में रखो ये चीज, V on the equator is always zero. It's an important statement. ठीक है, इसके साथ आपका dipole finish हुआ. We found potential on the equator, also on the axis, and also at any point. General formula भी बना लिया हमने. This completes your topic of electric potential due to dipole. ठीक है, clear? फॉर्मूला बन गई है. इस फॉर्मूला पे जो आपने फॉर्मूला बनाई है डायपोल के लिए, इस सिंपल फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, नॉट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस. ठीक है, मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा हूँ. इस चैप्टर में ना बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. ओम ओम को डेरिवेशन बोल रहा है, कुछ मिस हो गया डेरिवेशन में. ओम क्या मिस हो गया पहले बताओ तो मैं वो दिखाऊं. सर बैक पेज यही वाला में डायग्राम में हुआ है कि स्टेप्स नीचे. सर डायग्राम हुआ है थोड़ा. ठीक है लिखो, ड्रा कर लो. ठीक है, बाकी स्टूडेंट दो मिनट सुन लो. अभी इस चैप्टर में ना बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट 50% चैप्टर हमारा फिनिश हुआ है, स्टिल 50% इज देयर. इस चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहा हूँ. अब मैं नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहा हूँ. नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल दो तब तक, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग डाल दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. ओम का कुछ मिस हो गया है, बस वन मिनट में वी विल गो फॉर द टॉपिक. थैंक यू सर. ओके, तो ओम ने स्क्रीनशॉट्स ले लिए. ठीक है, पता नहीं लिखा क्यों नहीं उसने, वो उसको पता, लेकिन चलो हो गया उसका. ठीक है, मेरी एक सजेशन रहेगी सारे स्टूडेंट्स को, जितना हो सके जो मैं लिख रहा हूँ वह मेरे साथ लिखा करो. ठीक है, स्क्रीनशॉट पे के चक्कर में मत पड़ो. आप अपने हाथ से लिखोगे ना तब वो ज्यादा दिमाग में जाता है. हाँ हाँ, मैं ओम आपको नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ. स्टूडेंट जितना हो सके कोई भी चीज अपने हाथ से लिखा करो, इट टेक्स टाइम, नो डाउट. ठीक है, और आज की जनरेशन को लगता है कि टाइम तो है ही नहीं हमारे पास, लेकिन लिखोगे ना तो आपके दिमाग में चीजें जाती है.
बिना लिखे दिमाग में नहीं जाता है चीज, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, पुट दिस हेडिंग, ठीक है। चलो मैं आज थोड़ा समझा देता हूँ ये क्या चीज है, इट्स अ न्यू टॉपिक नाउ, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लुक एट इट, सपोज यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू, सी दिस, ये चार्ज कैसा लग रहा है शेप में, इट्स लुकिंग लाइक अ पॉइंट चार्ज, यस ये पॉइंट चार्ज है, राइट, मैं यहां पे लिख देता हूं, इट्स अ पॉइंट चार्ज, मतलब पूरा चार्ज जो है वो एक पॉइंट पर ही है, इट्स पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब देखो ये चार्ज से आर डिस्टेंस अवे, ये चार्ज है ना, फ्रॉम दिस चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, ठीक है, यहां पर मैंने एक पॉइंट ली, ठीक है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा वो आपने ऑलरेडी पता है आपको, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। सो फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज एट अ डिस्टेंस आर ओवर हियर, यहां पे जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, मैं ऑलरेडी कर चुके हैं वो, ठीक है, मैं अभी किसी एक स्टूडेंट का नाम ले रहा हूं, वो स्टूडेंट मुझे बताएगा कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस चार्ज, इसका मैं नाम लूंगा वो आंसर देगा। एबिन मैथ्यू, एबिन मैथ्यू, ट्राई टू आंसर, एबिन मैथ्यू, हेलो हेलो, हाँ टेल मी, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा बिकॉज ऑफ दिस क्यू चार्ज, एनी आइडिया? हाँ सर बोलो, 1/4 pi, हाँ बोलो, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, हाँ फिर q by r, यस यू आर करेक्ट, करेक्ट है स्टूडेंट, सिंपल है ये फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, करेक्ट, ठीक है, हाँ क्लोज करो। सो सी स्टूडेंट, सबने सबको ये पता है चीज, अब पोटेंशियल जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल को तो डायरेक्शन भी नहीं होता, इट इज इंडीड अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये है पोटेंशियल। अब ध्यान से देखो, क्लियरली समझ में आएगा कि जो ये पोटेंशियल है वो आर पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन आर, अगर आप आर को चेंज करोगे, इफ यू चेंज द आर डिस्टेंस पोटेंशियल विल चेंज, ठीक है। इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि जो V है पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, R को बढ़ाएंगे तो V कम होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लू, लुक एट दिस, इफ आई टेक वन पॉइंट हियर, ये पॉइंट भी जो है ना वो, ये जो पॉइंट मैंने लिया है वो भी इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पे है, सेम R डिस्टेंस पे, तो आप थोड़ा सोचो यहां पर भी पोटेंशियल कितना आएगा, यहां पर भी पोटेंशियल आएगा 1/4 pi epsilon 0 q by r, यस सेम आएगा, सो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल सेम आएगा 1/4 pi epsilon 0 q by r, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लू, ठीक है, ये पॉइंट देखो, सपोज दिस पॉइंट इज ऑल्सो एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम दिस चार्ज, यहां पर भी पोटेंशियल सेम आएगा 1/4 pi epsilon 0 q upon r, ओके। अब आप बोलेंगे सर ये तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, लेकिन v जो है, v स्केलर क्वांटिटी है, v को कोई डायरेक्शन नहीं होता है, यहां पर जितना v होगा सेम v यहां पर होगा, सेम v यहां पर होगा। सिमिलरली एक और ले लेता हूं मैं, सपोज इफ आई टेक वन पॉइंट हियर, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया, इट इज ऑल्सो एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द q चार्ज, ये देखो ये पॉइंट भी r डिस्टेंस पर है फ्रॉम द q चार्ज, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल सेम होगा। ऑल दीज पॉइंट्स दैट यू कैन सी which I have taken, in sare points pe potential same hoga, all these points will have a same potential, sab points pe potential kitna hoga, ye hoga potential, kyunki in sare points ke liye r same hai, baat samajh mein aayi, to ye sare points pe potential same hoga। ab in sare points ko main join kar leta hu, I am joining all these points, mathematics ki language mein bolu, so I am drawing the locus of all these points, in sare points ka locus bana leta hu main, I am joining all these points. Look at it. ठीक है, देखो मैंने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया, आई एम ज्वाइनिंग ऑल दोस पॉइंट्स एट विच पोटेंशियल इज सेम, तो ये जो सरफेस फॉर्म होती है ना, ये देखो मैंने ये जो सरफेस बनाई है, सी दिस सरफेस,
दिस सरफेस विच इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑल दोस पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल सेम. इस सरफेस को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इस सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट लोगे वहां पे पोटेंशियल सेम होगा. दिस सरफेस इज नोन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस. इस सरफेस का नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस. ठीक है, मैं बाद में आपको डेफिनेशन लिखवा दूंगा, आई विल डिक्टेट डेफिनेशन, डोंट वरी. लेकिन अभी मैं खाली बोल देता हूं डेफिनेशन, जस्ट ध्यान से सुनो. इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस विच इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑल दोस पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर पोटेंशियल इज सेम. वो पॉइंट्स जहां पे पोटेंशियल सेम होता है उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे ये सरफेस बनती है. क्लियर, सरफेस इज नोन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस. अब आप में से कोई आंसर दे सकता है, ये जो मैंने इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाई है यहाँ पर, क्या लगता है इस सरफेस का शेप कैसा है? इट्स अ सर्कल. सर्कल सर्कल है. लेकिन अगर आप थोड़ा 3D में सोचोगे ना, सर्कल है, डोंट नो नो डाउट इट इज सर्कल. आप 3D में सोचोगे ना तो ये स्फीयर होगी. देखो ये जो सारे मैंने r डिस्टेंसेस लिए हैं, द r डिस्टेंसेस दैट आई हैव टेकन, ये सब डिस्टेंसेस पेज के ऊपर है, सारे पॉइंट्स पेज पे लिए हैं. अगर आप पॉइंट्स स्पेस में भी ले सकते हो तो देखो इस क्यू चार्ज से यहाँ पे ऐसे स्पेस में से ऊपर ऐसे हवा में ऊपर ऐसे यहाँ पर भी ऊपर हवा में भी आप एक पॉइंट ले सकते हो जो r डिस्टेंस पर होगी. तो अगर आप 3D में इमेजिन करोगे ना पूरे स्पेस में चले जाओ तो r डिस्टेंस इन एवरी डायरेक्शन यू टू गो बाय r डिस्टेंस ना, तो एक स्फीयर फॉर्म होगा एक्चुअली. ठीक है, अगर आप अपने आपको इस पेज के ऊपर ही रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, यू कैन टेक पॉइंट ओनली ऑन दिस पेज, सो इट विल बी सर्किल. बट 3D में सोचो तो पॉइंट ऊपर हवा में भी हो सकती है, पेज के ऊपर स्फीयर बन जाए. यस, सो एक्चुअली ये स्फीयर है, सर्किल मत बोलो. सो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑफ स्फेरिकल शेप विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज की वजह से जो शेप बना, इक्विपोटेंशियल सरफेस बना, वो स्फेरिकल शेप का होता है. समझा पॉइंट? ठीक है, सो एक काम करो, मैं अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन दे देता हूं. राइट ऑन द डेफिनेशन लिखो. ठीक है, लिखो. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज द सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज अ सरफेस विच इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग all the points by joining all the points in the electric field by joining all the points in the electric field having same potential all the points in the electric field having same potential. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है. इट इज अ सरफेस विच इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल. ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ठीक है. इसके बाद बस एक सेंटेंस और लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो. द पॉइंट चार्ज फॉर्म्स स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस. पॉइंट चार्ज फॉर्म्स spherical equipotential surface. ठीक है students. ठीक है, ओम बोल रहा है कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो ई होता है ना, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, ओम बोल रहा है कि जो ई है इट इज परपेंडिकुलर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओम, ये पॉइंट करेक्ट है जो आपने बोला? कहाँ पे सुनी है आपने ये पॉइंट? पहले सुनी है कहीं पे? सर कैसे ये सर्कल है और सब पॉइंट्स को जॉइन किया, सो लाइक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से भी पास हो तो परपेंडिकुलर ही रहेगा ना. अगर ठीक है, बात करेक्ट है, लेकिन होता क्या है, होता ये है कि स्टूडेंट यूजुअली अपने आप इतना लेवल तक तो नहीं सोचते हैं. आपका करेक्ट है, डोंट वरी. अगर आप खुद किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसे ही जानना चाहता हूँ, टेक्स्ट बुक सामने खुला हुआ है कि 11th में स्टैंडर्ड में था ये? या आपने खुद सर, ऐसे ही एक खुद सोचा है? हाँ हाँ सर,
चलो गुड, तो आप में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं खुद सोचने की. यू कैन ट्राई फॉर प्योर फिजिक्स, फिजिसिस्ट बनने की ट्राई करो. अच्छा दिमाग है आपका अगर आप खुद सोचते हो इतना. गुड, कीप इट अप. चलो सो आई होप ये समझा आपको. ठीक है, इसमें बस एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, ध्यान से देखो, फिर हम लोग इसके आगे जाएंगे. सी, ये प्लस क्यू चार्ज है. इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, मैंने यहाँ पे अभी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया. ये देखो, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस एट आर डिस्टेंस. ठीक है, तो इस सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, यू टेक एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस. ठीक है, यहां पर पोटेंशियल होगा 1/4πε0qr. दिस इज पोटेंशियल. ठीक है, अब अगर मैं रेडियस को थोड़ा इंक्रीज कर दूं, इफ आई ड्रॉ अनदर स्फीयर ऑफ रेडियस r डैश, ये देखो r डैश डिस्टेंस पे मैंने किया, यहां पर भी आप फिर से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हो. वी कैन ड्रॉ वन मोर इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, दिस इज अगेन इक्विपोटेंशियल सरफेस. इस पे पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल ऑन दिस सरफेस विल बी 1/4πε0q/r′, है ना, q/r′. ठीक है, आपको ये पता है जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. ठीक है, ये जो पोटेंशियल है वो r के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन है. सो r′ इज मोर देन r ना, कंपेयर टू r दिस r′ इज मोर, r dash is more, तो potential on this outer surface will be less. यहाँ पर potential inner sphere पे जो potential है वो more होगा, outer sphere पे potential क्या होगा? Less. ऐसे हम लोग बहुत सारे concentric spheres बना सकते हैं. You can draw many concentric spheres. But as you go away and away from the charge, charge से जैसे जैसे दूर जाएंगे, potential will go on decreasing as r will go on increasing. R increase होगा, potential decrease होगा. ठीक है, तो याद रखो कि आप सिर्फ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बना सकते, यू कैन ड्रॉ मेनी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. ठीक है, सिर्फ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होती है, मेनी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यू कैन ड्रॉ. ठीक है, क्लियर? हाँ, अब सर, हाँ बोलो सर, ये जो दो स्पीयर्स में गैप रहेगा उसका कुछ है? नहीं, उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो आपके ऊपर है, जितना गैप बनाना बना सकते हो. ठीक है, मतलब देखो अगर दो स्फीयर्स के बीच में गैप ज्यादा होगा तो मतलब आर का डिफरेंस भी ज्यादा होगा दोनों में. डिफरेंस ऑफ आर विल आल्सो बी मोर, दोनों के रेडियस में ज्यादा डिफरेंस होगा. आर का डिफरेंस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल का भी डिफरेंस ज्यादा होगा. ठीक है, क्या होगा इफ यू टेक टू स्फीयर्स फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है डिफरेंस भी ज्यादा होगा पोटेंशियल का. बट ऐसा कुछ आर का रिलेशन नहीं है, जो आर लेना है आप ले सकते हो. So, एक मेन पॉइंट ये है स्टूडेंट, याद रखो कि एक स्फीयर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, यू कैन हैव अ मल्टीपल स्फीयर्स, बहुत सारे स्फीयर बना सकते हो. ठीक है, चलो अब मैं एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. ये ध्यान से देखो यार. हाँ बोलो सर, आपने वो बोला अगर एक अगर पास में मतलब कोई भी दो पोटेंशियल अगर बहुत दूर है तो फिर मतलब तो उन दोनों के बीच में ये ज्यादा रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? डिफरेंस भी ज्यादा रहेगा. सर कोई वायर अगर किसी वायर को दूर से छुआ तो ऐसा है क्या सर, ज्यादा करंट लगता है? वापस बोलो डाउट अपना, लास्ट में क्या बोला? सर अगर किसी वायर को दूर से छुआ तो ऐसा ज्यादा करंट लगता है, वैसा है क्या कुछ? वायर को दूर से क्या किया? किसी वायर दूर से टच किया. दूर से कैसे टच करेगा? तो तुम घर पे बैठे हो, वायर ग्राउंड फ्लोर पे, वहां से टच करोगे? कैसे टच करोगे? टच करने का तो पास में जाना पड़ेगा ना, दूर से कैसे टच करते हैं बता दो. हाँ सर बराबर. ठीक है, V is inversely proportional to R, इतना याद रखो. तो जैसे जैसे R बढ़ेगा V कम होता जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये जो आउटर सरफेस है उस पर पोटेंशियल कम होगा और जो इनर सरफेस मैंने बनाई है वहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं. मैं अभी इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ध्यान से देखो. सी, ये जो प्लस क्यू चार्ज है ना,
प्लस क्यू चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, प्लस क्यू चार्ज ऑल्सो क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, इफ यू वॉन्ट हैव अ डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक लाइन्स बनानी होती है, याद है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। द इलेक्ट्रिक लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज लुक एट द डायग्राम, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स हम लोग अगर ड्रॉ करें, तो सी दिस, ये मैंने इलेक्ट्रिक लाइन्स बना रहा हूं, देखो ये देखो, इन द डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस आई एम ड्रॉइंग इलेक्ट्रिक लाइन्स, ये देखो दिख रहा है, लुक एट दिस डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स दैट आई हैव ड्रॉन, ये देखो ये सब ई का डायरेक्शन बताती है, दीज आर इलेक्ट्रिक लाइन्स, दे ऑलवेज टेल्स यू डायरेक्शन ऑफ ई। सो स्टूडेंट ये है ई का डायरेक्शन, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये जो ई का डायरेक्शन है इट इज रेडियली आउटवर्ड, ई रेडियली आउटवर्ड है, इट इज रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, बट अलोंग द रेडियस ये बाहर जा रही है ई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर आ जाओ, सी हेयर केयरफुली, अगर आप कहीं एक पॉइंट, इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर ना, ये सब देखो स्फीयर के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट पर आप देखो जो ई है, द ई इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, सी केयरफुली, ये देखो ध्यान से, ये ध्यान से देखो, ई इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, यस एक रूल होता है, द ई इज परपेंडिकुलर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है जी, यही पॉइंट ओम ने बताई थी, ठीक है, ओम ने बताया था और ये पॉइंट सही है एकदम, कि ई जो होता है डायरेक्शन ऑफ ई एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो स्टूडेंट ये पॉइंट आप मेंशन कर लो, पॉइंट कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखो द इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार एट एनी पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, एट एनी पॉइंट इट इज परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया ना, ये आपको हेल्प करेगी ई का डायरेक्शन निकालने में, कभी 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 क्या होगा, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन होगा और आपको ई का डायरेक्शन फाइंड आउट करना होगा, तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, याद रखो, तो ई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये आप कोई भी पॉइंट पे ऐसा कर सकते हो, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी समझी। चलो एक पॉइंट और लिखो, आई एम डिक्टेटिंग द वन पॉइंट, एक और सेंटेंस लिखो, आगे लिखो, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये पॉइंट मैं कल आराम से इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में नहीं हो पाता है, फिर ये कल इसको आराम से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो टुमारो विल डिस्कस, बट आज लिख लो सिर्फ, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। सो हियर वी फिनिश द लेक्चर, आई होप।